दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट सर, एंड यू एडमिट दैट टू दैट एक्सटेंट देयर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन एफआईआर सर, दैट दैट टू दैट एक्सटेंट सर, यस टू दैट एक्सटेंट, यस सर आई एक्सेप्ट इट सर, यू एक्सेप्ट इट सर, सो ए सीनियर ऑफिसर लाइक एसडीओ The then SDO of the Gopalganj is making a false statement in the FIR. देखिए कानून में देरी हो सकती है लेकिन nobody is above the law. ये बराबर मैं कहता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का, लेकिन जो एनआरकी प्रिवेल कर रहा है ना, आपकी जो मर्जी होती है आप वैसे ही करते हैं, कानून को आप चाहते नहीं है कि उसको हम रूल करने दें. क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसीलिए है कि आप उसको वायलेट करते रहें? Why this officer should not be held guilty for contempt of court in view of D.K. Basu's judgment? तो आपने कहा ठीक है, अब तुमको भी सबक सिखाते हैं, तुम नेता बन रहे हो तो तुमको सबक सिखाते हैं. This is how the police will react. Sir, अगर आप इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो लोगों का क्या होगा? Then nobody will raise his voice and that too in this democratic manner. After seeking, taking permission from your competent officer, आप एक भी केस हुआ कम्युनल हारमोनी का वहाँ डिस्टर्बेंस का 13 तारीख को कम्युनल सर, लेकिन 16 में हुए हैं केसेस सर. I am not concerned with that because of his demonstration, sir. And this demonstration was against the police atrocity, sir. Please try to understand. It was not for any communal disharmony. क्रिएट करने के लिए नहीं था सर, इट वॉज अगेंस्ट द पुलिस एक्शन. हाउ कम दिस सांप्रदायिक? आप हर चीज में जो है, जब किसी को कुछ फंसाना हो तो एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर देते हैं. आपने इस एफआईआर में लिखा होता, कोई सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं हुई वहां, वहां कोई घटना नहीं घटी, कोई आपके पास रिपोर्ट नहीं है कि हाँ उसने क्या बोला इसके लिए कोई सांप्रदायिक घटना घट गई. आपका बोनाफाइड ही नहीं दिख रहा है इसमें, और इंजरी रिपोर्ट भी आपने नहीं दिया सीजीएम के ऑर्डर के बावजूद, अरेस्ट भी आपने किया आफ्टर 6 मंथ्स. बोलिए क्या करें अब? आई एम विलिंग टू सर, एक और पॉइंट है सर. हाँ बोलिए. हाँ सर, जब अरेस्ट इनको किया गया था सर, At that time, this para number 672, sir, station diary of town PS yes. of 22nd February 2017. Yes. इसमें भी mention है sir कि पकड़ने के दौरान भी वो भागने की कोशिश किया और उस दौरान उनको चोटें लगी. ये तो common है आपका. तो हर accused जब भागने लगता है तो वो कहीं से कूद जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, जेल में जब मर जाता है पुलिस कस्टडी में तो आप कहते हैं इस डॉक्टर को खड़ा करके कि साहब उसको सुई देने में छटपटाया तो बेड से गिर गया तो उसका सर फट गया और मर गया. ये सब कहानी मत बनाइए एसपी साहब, ये कहानी अब बिल्कुल स्टीरियोटाइप आ रहा है हर केस में. पुलिस कस्टडी में जितने भी टॉर्चर्स हैं, अभी रिसेंटली आई हैव डायरेक्टेड फॉर वन इंक्वायरी इन मैटर That prisoner in jail was brutally assaulted. His whole body can be seen having severe injuries on different parts of his body. And then this court was informed कि उसको तो सुई लगाने में वो छटपटाया, गिर गया बिछावन से मर गया. दरभंगा का है जेल कस्टडी. अभी उसमें दिया नहीं इंक्वायरी के लिए? अभी दिया नहीं, अभी तो रिपोर्ट मांगा गया है. रिपोर्ट मांगा है, वही कहा है कि उसका वो सब रिपोर्ट लाई. तो ये जो आप बोलते हैं ना कि भागा और भागने में गिर गया और चोट लग गया, तो कहानी कब तक चलेगी? आप ये बताइए मुझे सर, आपने पहले जजमेंट पढ़ा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का? डीके बासु जजमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं सर. नहीं पढ़ा है ना, तो आप कैसे एसपी रहिएगा? जब आप पढ़ाई नहीं, जजमेंट ही नहीं पढ़ा आपने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 1997 में रिपोर्टेड है, आपने अरनेश कुमार पढ़ा? पढ़ा है सर. अरनेश कुमार पढ़ा है? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पढ़ा? नहीं. नहीं पढ़ा. आप ऐसा कीजिए, जरा दोनों जजमेंट पढ़ करके आइए मेरे पास.
He has not studied the judgment of the Supreme Court. What kind of SP is he? If he doesn't know the judgment of the Honorable Apex Court, how can he administer police service? क्या हम जजमेंट्स लिखते हैं इसीलिए? हम इसीलिए जजमेंट्स लिखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर्स कभी पढ़े ही नहीं उसको? आप इनको पढ़ा करके लाइए मेरे पास एक घंटे बाद। हम उसमें एक बात कहना चाह रहे थे, इसकी जितनी क्वेरी की है उन्होंने, इसका डिटेल हम इनसे खुद लेना चाहते हैं। हम इनसे पहले बात जो है ना हम ऑर्डर करेंगे, इनको पहले डीके बासु जजमेंट, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इफ आई एम करेक्ट AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1349 एंड डी के बासु जजमेंट 1977 जो भी है दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है एपेक्स कोर्ट ने कि साहब जहां वायलेशन होगा ये गाइडलाइंस का 416 वहां हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द ऑफिसर्स। 215 तब कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल, 215 क्या 415 में भी सुनेंगे, लेकिन मुझे एसपी साहब को जरा एजुकेट भी करना है कि जाएंगे एसपी हैं जिला के, इनको कमान दिया गया है और ये पढ़े ही नहीं है तो ये कमान क्या संभालेंगे फिर? जब फीस कर लेंगे आइए ना पढ़ा दीजिएगा, जब दोनों जजमेंट अच्छे से इनको, तो किताब लेकर के आइएगा मेरे पास, चैम्बर में बैठाइए और पढ़ाइए इनको, उसके बाद आइए।